अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज आई है लाइबा के घर से बहुत ही प्यारी ईदी लाइबा की। जैसे कि आपको पता है ईद आने वाली है, तो जो है ना घर से ईदी भी आ गई है लाइबा की। बिल्कुल। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीजें आई हैं मेरी और लाइबा की। और ये होता है कि यार जब शादी होती है ना, तो सबसे ज्यादा इंतजार होता है इस चीज का कि यार ईदी कब आएगी घर से। तो माशाल्लाह से ईदी आ गई है। और आपको था वेट? बिल्कुल, ये हर लड़की को इंतजार होता है कि उसके मायके से उसके घर वाले आए और उसकी ईदी लेकर आए। अब देखिए, वैसे तो हम बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, हर चीज लेते हैं, हर चीज होती है हमारे पास, लेकिन जो बात घर से लाए हुए लोगों की चीजों में है ना, वो बात किसी चीज में नहीं है। तो माशाल्लाह से ईदी आ चुकी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे इंतजार भी था इस चीज का, और माशाल्लाह सब चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत पसंद आई मुझे। तो हमने सोचा कि हम आपसे आपसे भी भी शेयर शेयर कर करते लें, हैं। आपको भी दिखा दें। तो अभी हम आपको भी दिखाते हैं। और तो जैसे कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से आज 20वां रोजा है। तो जो है ना काफी लोग इतकाफ बैठे हैं, और मेरा भाई भी इतकाफ बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से। तो जितने लोग भी इतकाफ में बैठे हैं, तो वो उनसे ये गुजारिश है कि हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, ठीक है, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जितने भी लोग एतिकाफ में बैठे हैं, वो हमें अपनी खुशी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक हमारे नमाजों को, रोजों को, हमारे एतिकाफ को कबूल और मंजूर फरमाए। और आप सबको हम दोनों की जानिब से एडवांस में ईद मुबारक, क्योंकि हमारी ईद ही आ चुकी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह लाइबा की ईदी आ चुकी है। तो अब हम दिखाएंगे लाइबा की ईदी आपको। तो आप हमारे साथ रहे और देखते रहे लाइबा और अहमद को। अब हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले लाइबा आप क्या दिखाना चाहोगे? मैं सबसे पहले दिखाऊंगी जानमाज। जी, तो हम आप दिखाना चाहेंगे जानमाज, बहुत ही प्यारी और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, ये है रुमाल, अरबिक रुमाल। जैसे कि आपने देखा है सऊदीया वगैरह में यही पहना जाता है, तो ये स्पेशली अहमद के लिए आया है, इसलिए क्योंकि ये कलाम शूट करते हैं। तो रिसेंटली हमारा अरबिक कलाम भी शूट हुआ है, तो इसीलिए ये अहमद के लिए घर वालों ने भेजा है, ताकि नेक्स्ट कलाम में अहमद ये बांधे और शूट करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कलाम में अहमद लाजमी ये बांधेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आई है एक बेडशीट, बहुत प्यारी सी, बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा हैवी भी है। तो अभी हम इसको नहीं खोल रहे, ठीक है, दिखा देता हूँ, ऐसे हल्की सी दिखा देता हूँ थोड़ी सी खोल के, ठीक है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ओके ओके, बस अहमद अगले इसको तय करना बहुत मुश्किल होगा। ओके, लाइबा को तय करने की पड़ गई है। पहले अभी खोला नहीं है और लाइबा ने पहले ही रखवा दिया है, मत रख दें, तय करना पड़ जाएगा। चलो रख देते हैं। ओके, और ये है दूसरी बेडशीट, ये दिखा देते हैं हम आपको, ये छोटी सी है तो इसका ग्लास। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है, और इसी में सारा डिजाइन है। हमने जो है ना पिल्लो का कवर दिखा दिया आपको। ओके, तो अब आपको हम दिखाते हैं ये बहुत ही प्यारा मेरा सूट, और ये जो है कि कहते हैं ऑफ व्हाइट कलर का है, और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा है, और इसके साथ भी रुमाल है। इससे जरा ये होता है ना, ये पसीना साफ करो। तो बाकी मैं पसीना ही साफ करूंगा, और क्या, अच्छा लग रहा है।
ओके अच्छा स्टफ है चलो अब इसको हम करते हैं वाइंड अप। और ये भी एक मेरा अनिश्चित सूट है, और ये अनिश्चित है, लाइबा ये का आप है, रख रहे हैं। ये लाइबा का, और ये भी एमएस का सूट, ग्रे कलर वाला, सही है। तो अब ये है तीसरा सूट एमएस का, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, कलर देख सकते हैं आप। ठीक है ये भी रख दें। जी जरा खोल के तो दिखा दो यार, टाइम टाइम नहीं है अभी, इनका अपना सूट आएगा ना फौरन से, जरा अच्छे से जो है ना दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा सूट है। एक सूट आया है, ये भी अनस्टिच है, तो जब ये स्टिच हो जाएगा तो फिर पहन लेंगे। ओके और ये ये भी अहमद का एक अच्छा सा ब्राउन कलर का सूट है, और ये तो पूरा खुल ही गया। चलो हम इसको तय करते चलो हैं और ये भी इसको सही रखो है, साइड पे। और और ये भी मेरा एक अनस्टिच सूट है, कलर बड़ा प्यारा है इसका, है ना अहमद? कलर प्यारा है, ये भी अच्छा है। तो ईदी में तो काफी चीजें आई हैं अल्लाह पाक के करम से, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पे है नूडल्स, क्योंकि ये है लाइबा के फेवरेट। तो जो है ना घर वालों ने कहा कि यार लाइबा को नूडल्स देना तो लाजमी बनते हैं ना, बिल्कुल। तो नूडल्स भी आए और और बहुत सारे आए। हाँ तो ये है कि जो है ना अब आपको हमने दिखा दिए हैं नूडल्स, और बाकी ये आया है सेनिया, ठीक है। तो घर से मिठाई आई थी, तो जो है ना लाइबा आप अपना मुंह मीठा करें। खुद ने खा ली है, इधर मुझे किसने खिलानी थी? चलो कोई बात नहीं, पहली बात तो मैं आप सबको बताऊं, पहली बात तो मैं आप सबको बताऊं, मैं शैतान आ गए हैं आपके अंदर। पहली बात तो मुझे ये पसंद नहीं है गुलाब जामुन, और इन्होंने वही मुझे खिला दी है। मुझे हंसी आ रही है कि मैं पूरी जिंदगी गुलाब जामुन नहीं खाई है, लेकिन मुझे तो पसंद है ना। और आज उन्होंने मुझे खिला दिया, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। क्योंकि मुझे असल में पसंद है बेसन के लड्डू, और जो पिंक वाली चमचम होती है ना वो बहुत पसंद है, पिंक वाली चमचम भी आई है, वो भी खिलाएंगे। तो ये आया है मेरे लिए बहुत ही प्यारा परफ्यूम, तो अब मैं देखता हूँ कैसा है। ये आपका नहीं है, मेरा है। आपका है फिर भी मुझे सुन का सही है, बहुत प्यारा है, अच्छा लगा मुझे। ज्यादातर जो है ना वैसे पसंद नहीं आते, लेकिन ये इसलिए पसंद आया क्योंकि बहुत ही मतलब लाइट है, और लाइट ही ज्यादा जो तेज होता है ना वो नहीं अच्छा लगता। तो आप भी वैसे लाइट ही ज्यादातर यूज करा करें। अब हम एक ऐसी चीज दिखाने लगे हैं जो लाइबा की बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और लेकिन जो है कि कहते हैं घर वाले मतलब ऐसी चीज है कि यार माँ बाप के वो ढूंढ लाते हैं, और इनका तो साइज भी उनको पता नहीं था लेकिन वो फिर भी ले आए। तो ये क्या है, चूड़ियां लाइबा की, और अब आप पहन के दिखाएं। अभी तक वैसे हमने चेक नहीं करा, तो ये के देखते हैं कि लाइबा के साइज की ये हैं या मेरी नहीं। चूड़ियों का साइज है, ये आप देखिए, ये तकरीबन बहुत ये छोटी है बच्चों के बहुत जैसा ही छोटा साइज सा, है। जैसे मेरा हाथ है साइज, बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत परफेक्ट आया माशाल्लाह। तो वैसे मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये है लाइबा के लिए बॉडी स्प्रे, तो लाइबा आप जरा चेक कर लो। ये है मेहंदी, मेहंदी है तो मेहंदी ये इतना ऐसे उछल उछल के ये मारना मुझे।
मारा तो नहीं, ये यूं कर है। यूं ये मेरी आंख अभी फोड़ दे, आंख मेरी जो है ना दया कर देनी थी आंख। कोई नहीं कुछ नहीं, आप लोग बताएं, मैंने ऐसे ऐसे करे जाओ ऐसे ऐसे, तो आप दूर हो जाओ ना थोड़ा, तो फिर मैं वीडियो में नहीं आऊंगा। हाँ तो ये है गाइस मेहंदी जो कि मैं चांद रात पे भाभी से लगवाऊंगी, एक हाथ पे मैं खुद लगा लूंगी, एक हाथ पे भाभी। हाँ मालूम है, हाँ मालूम है। तो ये भी मेरे लिए आया है बॉडी स्प्रे और ये कोई जेल है, तो जो है ना ये दोनों भी चीजें काफी अच्छी हैं जी, बहुत अच्छी हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना ड्रेस, तो ये है लाइबा की चप्पलें, ठीक है, और ये इतनी मुश्किल से मिलती हैं, यकीन माने हम मार्केट चले जाए ना तो आप समझ लो कि यार वो आधा दिन तो वहां पे ही खत्म हो जाता है, मतलब इनकी चप्पलें हम ढूंढते रहेंगे और आएंगी नहीं, समझ से बाहर है कि इनका साइज है कौन सा, चार नंबर। और ये मतलब बच्चों का भी, मतलब बच्चों का छोटे साइज में होता है ना, तो जब इनको बच्चों का बनाओ वो भी नहीं आ रहा, बिल्कुल दरमियाना जो बिल्कुल परफेक्ट होगा ना, वो कहते हैं स्पेशली आपका बनवाना पड़ेगा, जैसे वो इतने लंबे लंबे पाँव नहीं होते उनका बनता है, ये छोटे से पाँव का भी बनवाना पड़ेगा बड़ी। मेरे पाँव बहुत छोटे हैं, बहुत नाजुक हैं, बहुत डिसेंट हैं, ना कि ज्यादा बड़े हैं ना कि ज्यादा मोटे हैं जी से। काफी चीजें माशाल्लाह से हमने आपको सारी चीजें दिखा दी, और बाकी बस एक जो है ना चीज रहेगी, एक कार्ड है उसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है, तो ये कि अब देखते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है, आपसे शेयर करते हैं। तो लाइबा आप पकड़ो और देखो कि क्या लिखा हुआ है इसमें, लाइबा आप देखें। ओ वाह अच्छा, अभी ये पकड़े देखें गिने कितने, फिर उसके बाद हम पहले हम ये पढ़ लें, फिर उसके बाद। सो गाइस इसमें लिखा है कि हमारी प्यारी बेटी लाइबा, हमेशा खुश रहो, हमेशा अपने घर में आबाद रहो, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, अल्लाह तुम्हें कदम कदम पे कामयाबियां नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तो ये जो माँ बाप की दुआएं होती हैं ये ही आपकी कामयाबी का सबब होती है, और आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने माँ बाप की दुआ। और बाकी जो मेरे लिए लाइंस लिखी है वो मैं खुद बता देता हूँ। जी जी, जो आपके लिए लिखी है वो आप खुद बताए। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आप अहमद बहुत ज्यादा ख्याल रखना लाइबा का, तो बिल्कुल लाजमी रखेंगे, और ये जो है बिल्कुल रखना चाहिए, सबको ख्याल बहुत रखना चाहिए, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रखता हूँ ना आपका ख्याल। जी जी बिल्कुल। आप खुश हो? जी बहुत खुश हो। ओके, और लिखा हुआ है कि अल्लाह पाक आपको ज्यादा कामयाब करे, और इसी तरह आप अच्छे अच्छे काम करते रहे, नाते पढ़ते रहे, और दोनों की जोड़ी सलामत रहे। बहुत शुक्रिया आपने इतनी दुआएं दी, माशाल्लाह से आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं, जज़ाकअल्लाह। तो अब आपने सारा जो कुछ देख लिया है, अब ये आप मुझे बताएं कि ये पैसे हैं कितने, ये कमेंट्स में बताएंगे सब। वैसे आपने तो गिने हुए नहीं है, आपका अंदाजा क्या है? ये 50,000। चलो गलत, देखते हैं कितने है। वैसे मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, ये गाइस बताएंगे कि ये कितने। चलो मुझे तो पता, ये आपके हुए पता है मेरे ही। और अब सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालदेन की कि वो इतनी अच्छी ईदी लाए, और इस खुशी के मौके पे उन्होंने हमें खुश किया। तोहफा बड़ा हो या छोटा हो, वो खुशियाँ, मतलब खुशियाँ खुशियाँ होती हैं, और अल्लाह पाक हमारे वालदेन को सरों पे सलामत रखे, और हमेशा उनका साया हमारे सर पे कायम और दायम रहे, और तो यहाँ पर होता है हमारे व्लॉग का एंड। और आपसे एक बहुत ही जो है ना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा जिसने कामारून कलाम नहीं देखा, बहुत ही प्यारा अरेबिक कलाम, लाइबा अहमद और मेरे जो है कि कहते हैं मेरे से बड़े बिग ब्रदर जो इतकाफ में है इस टाइम पे,
हुसैन अहमद। तो हम तीनों का ये कलाम है, तो आप लाजमी जाके देखें, शेयर करें और बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें, ज्यादा से ज्यादा कामयाब हों आप सब, हम भी, और बाकी ये कि जो भी तकाफे बैठे हैं वो लाजमी हमारे लिए दुआ करें। ओके, अल्लाह हाफिज, जजाक मिलते अल्लाह, हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज।